भारत का हर कोना हर नुक्कड़ ज्यादा आबादी होने का जीता जागता उदाहरण है। चाहे आप कहीं भी हो, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, सड़क, हाईवे, बस स्टॉप, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, बाजार, मंदिर या फिर कोई सामाजिक या धार्मिक समारोह, आप इन सभी जगहों को दिन हो या रात भीड़ से भरा देख सकते हैं। इससे साफ पता चलता है कि देश में जनसंख्या कितनी ज्यादा है। इस वक्त भारत की आबादी 1,34,00,000,000 के पार हो चुकी है। यह चीन के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और विभिन्न अध्ययनों से ये पता चला है कि सन 2025 तक भारत चीन को भी पछाड़ देगा और विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस बढ़ती आबादी का नतीजा है कि यहाँ रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। भारत की बढ़ती आबादी को लेकर सरकार चिंतित नजर आने लगी है। देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के मामले में बहस जारी है और शुरू हो गई है। अब बस्ती के बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने जनसंख्या की बढ़ोतरी पर बयान देते हुए कहा कि अब यह सरकार तय करेगी कि सभी धर्म के लोग केवल 2 बच्चे पैदा करें, क्योंकि बेतहाशा जनसंख्या बढ़ने पर देश का विकास रुक रहा है। ऐसे में अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। हरीश द्विवेदी का कहना है कि सरकार देश की आबादी को रोकने के लिए कानून लाए, तभी इस पर रोक लग सकती है। इसलिए आने वाले समय में मोदी सरकार इस पर बड़ा फैसला लेने जा रही है। दुनिया के कई देशों में जनसंख्या को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, तो भारत में भी इस कानून को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम इस फैसले पर अमल करेंगे। ये भी सुनने में आया है कि मुस्लिम कई शादियाँ करते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और इसे शरीयत का नाम दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद से मुस्लिम जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। हाल ही में बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर कि देश में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए 2 बच्चों का नियम लागू होना चाहिए, जो इस नियम को नहीं माने उसका वोटिंग का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। इस बयान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि वोट देने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी ने और ना ही किसी व्यक्ति विशेष ने। देश में कोई भी किसी का मताधिकार का अधिकार नहीं छीन सकता और जनसंख्या के नाम पर एक धर्म विशेष को टारगेट करना गलत बात है। ये बयान सपा सांसद आजम खान को रास नहीं आया। आजम खान ने कहा कि जिस परिवार में 2-3 से ज्यादा बच्चे पैदा हों, उन पति पत्नी को ही फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जनसंख्या पर बाबा रामदेव ने भी एक बयान दिया था, जिस पर AIMI के नेता असुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल इसलिए अपना वोट का अधिकार नहीं खोना चाहिए क्योंकि वह अपने माता पिता के 3रे बच्चे हैं। लोगों को असंवैधानिक बातें कहने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन रामदेव के विचारों पर अनुचित ध्यान क्यों दिया जाता है? वो अपने पेट के साथ कुछ कर सकते हैं या अपने पैरों को घुमा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपना वोट देने का अधिकार सिर्फ इसलिए खो दें क्योंकि वो 3री संतान है। जनसंख्या नियंत्रण पर जब भी बात होगी तो कुछ इस्लामिक कट्टरपंथ सरकार के फैसले में रोड़ा बनेंगे। ईसाइयों की बात की जाए तो वो सरकार के फैसले का स्वागत करेंगी, क्योंकि कुछ वक्त पहले ईसाई धर्मगुरु ने ये बात कही थी कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। भारत जैसे देश में इतनी ज़्यादा आबादी के लिए रोजगार पैदा करना बहुत मुश्किल है। अनपढ़ लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, इसलिए बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। घटता उत्पादन और बढ़ती लागत खाद्य उत्पादन और वितरण बढ़ती हुई आबादी की बराबरी करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है। महंगाई आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। यही कारण है कि आजकल भारत में पढ़े लिखे लोग नौकरी करने के लिए दूसरे देश जा रहे हैं, क्योंकि भारत में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि रोजगार बचे ही नहीं है। एक नौकरी निकलती है लेकिन उसके उम्मीदवार हजारों में होते हैं, इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार नेताओं और नीति निर्माताओं को एक मजबूत जनसंख्या नीति बनाने के लिए पहल करनी चाहिए, जिससे देश की आर्थिक विकास दर का बढ़ती आबादी की मांग के साथ तालमेल बिठाया जा सके। आबादी पर नियंत्रण पाने के लिए जो बड़े कदम उठाए जा चुके हैं उन्हें और जोर देकर लागू करने की जरूरत है। महिलाओं और बच्चियों के कल्याण और उनकी स्थिति को बेहतर करना, शिक्षा के प्रसार, गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन के तरीके, सेक्स शिक्षा, पुरुष